पुतिन ने खेल दिया है मास्टर स्ट्रोक और बिल्कुल सरप्राइज कर दिया है न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को। क्या कोई सोच सकता है कि रूसी करेंसी जिसे डुबोने की कोशिश कर रहा था अमेरिका, वो करेंसी अचानक से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली करेंसी बन गई है। दुनिया हैरान से ज्यादा शॉक्ड है। पुतिन ने ऐसा कैसे कर दिया? ऐसे अमेरिका के सारे प्रतिबंधों को बेकार कर दिया। पुतिन ने बिल्कुल वो खास हथियार इस्तेमाल कर लिया जिस खास हथियार ने एक बार में ही अमेरिका के सारे प्लांट, यूरोप के सारे प्लांट तबाह कर दिए। और अब हालत ऐसी हो गई है कि यूरोप घुटनों पे आ गया है और कह रहा है कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं है, हमें माफ करो। जो बात ट्रंप समझ गए थे, रोनाल्ड रेगन समझ गए थे, वो बात बाइडेन को समझ में नहीं आई और बाइडेन ने पंगा ले लिया रूस से, जिसका नतीजा ये हुआ कि बाइडेन के सामने दुनिया का चौंकाने वाला खुलासा निकल कर सामने आया है। और सच मानिए, जो पुतिन को इस काम को करने के लिए कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा और ये शब्द इतने असरदार थे कि इसने पूरे यूरोप को, अमेरिका को घुटनों पर ला दिया और इस वक्त रूसी करेंसी को सबसे अच्छी करेंसी बना दिया। जैसा कि जैसे ही प्रतिबंधों का सिलसिला शुरू हुआ था, रूबल गिरने लगी थी और गिरते गिरते $1 बराबर हो गए थे 130 रूबल के। अमेरिका खुश था, अमेरिका को ऐसा लग रहा था जैसे ईरान वाला हाल होगा। ईरान को जैसे इन्होंने पहुंचा दिया बिल्कुल गर्त में प्रतिबंधों की वजह से, वैसा ही कुछ होगा। आपको बता दें, अभी अगर आप देखेंगे ईरान के $1 की वैल्यू ईरान का 42,000 रियाल बराबर है $1 की। ऐसा ही करने के इरादा में था अमेरिका और यूरोप के देश। लेकिन इस बीच पुतिन ने दांव ठोक दिया और पुतिन के दांव का ये असर है कि रूबल की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है और $1 बराबर है करीब 83 रूबल के, जो बहुत ज्यादा संभल गया है। कहां 130 और कहां 83। और आपको बता दें, अभी कहा जा रहा है कि ये और भी सुधरेगा। ये सारा कारनामा किया कैसे रूस ने? तो रूस के पास जो बड़ा हथियार था, वो हथियार है आज भी गैस पाइपलाइन। यूरोप जो कि गैस पर पूरी तरीके से निर्भर है रूस के ऊपर, उसी हथियार का इस्तेमाल किया पुतिन ने। पुतिन ने बस ये कह दिया कि अब अगर किसी को भी लेनी है प्राकृतिक गैस और ऑयल, तो पे करना होगा रूबल में, यानी रूस की करेंसी में। बस ये बोलना था और असर ये हुआ कि रूबल बहुत अच्छे पोजीशन पर वापस आ गई। वैसे यूरोप में हड़कंप मच गया। यूरोप में अभी भी कई ऐसे देश हैं जो बात कर रहे हैं। फ्रांस ने कहा कि ये नहीं कर सकता है रूस। जर्मनी ने कहा जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है उससे कैसे पलट सकता है रूस। सारे देश बौखला रहे हैं, लेकिन कर कुछ कोई नहीं पा रहा है। रूस ने कहा है लेना है तो रूबल दो, वरना अपना अपना रास्ता देखो। यूरोप की सबसे बड़ी कमजोरी है गैस पाइपलाइन और प्राकृतिक गैस, जिससे उसका चूल्हा जलता है। अब इस बात को लेकर अमेरिका के दो राष्ट्रपतियों ने पहले ही यूरोप को आगाह किया था। एक तो रोनाल्ड रेगन, जिन्होंने साफ साफ कहा था कि जिस तरीके से यूरोप निर्भर हो रहा है रूस के ऊपर, किसी न किसी दिन ये बहुत बड़ा हथियार बनेगा रूस का। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी जर्मनी को आगाह किया था कि आप नई नई गैस पाइपलाइन परियोजनाएं नहीं निकालो, वरना भविष्य में ये दिक्कत करेगा। और आखिरकार वही चीज सच हो गया। लेकिन रूस के लिए ये बहुत अच्छी खबर है और रूस से जुड़े हुए उसके सारे सहयोगियों के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि रूस अपने अर्थव्यवस्था को वापस में पटरी में लाने के लिए अब यूरोप को, अमेरिका को मजबूर कर पाएगा। यानी प्रतिबंधों का कोई असर अब रूस के ऊपर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस तरीके से डॉलर के मुकाबले रूबल मजबूत होता हुआ दिख रहा है, सच मानिए, जितनी विदेशी कंपनियां निकल कर रूस से गई हैं, अगले 1 से 2 साल के अंदर ये सारी कंपनियां फिर रूस के अंदर मिले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और उसके अलावे एक तरीके से दुनिया में ही तख्ता पलट कर दिया अमेरिका का। और ये तख्ता पलट ऐसे कर दिया है कि अब बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अमेरिकी डॉलर पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि रूस से व्यापार करने के लिए रूसी रूबल पर विचार कर रहे हैं। जैसे कि इंडोनेशिया भी रूस से खरीदना चाह रहा है प्राकृतिक
प्राकृतिक गैस और तेल, और इसके लिए वो रूबल पे पेमेंट करने को तैयार है। मतलब साफ है कि अमेरिका की सोच अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ी है और दुनिया के लिए ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। दुनिया ने कभी नहीं सोचा था कि रूस कुछ ऐसा करेगा और अंत समय में इस तरह के कुछ उपाय लेकर आएगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, रूस का जंग अभी भी जारी है। लगता है जो शांति हुई थी वो शांति क्षणिक ही लगती है, क्योंकि अब कथित तौर पर यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स ने रूस के अंदर 40 किलोमीटर जाकर उड़ा दिया है तेल डिपो। अब इसके बाद बदले की कार्रवाई रूस करेगा ही करेगा, उम्मीद तो यही जताई जा रही है। और ऊपर से आग में घी डालने का काम कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ये फैसला ले लिया है कि अब इस युद्ध में बख्तरबंद गाड़ियां देगा यूक्रेन को, लेकिन यहाँ पर भी मुंह की खानी पड़ सकती है। अगर ये गाड़ियां लगातार उड़ती चली गई और फटती चली गई तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी ऑस्ट्रेलिया की भी। वैसे आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया को इस मामले में पड़ने के बजाय चीन से बचने का रास्ता ढूंढना चाहिए। दलीप सिंह का क्या, जो उन्होंने इतने लंबे चौड़े प्रतिबंधों के लिस्ट बनाए थे और लिस्ट बनाकर अपने देश में हीरो बने हुए थे, उनके लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल आ गई, क्योंकि पुतिन ने प्रतिबंधों को बिल्कुल एक झटके पे खत्म कर दिया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या युद्ध अब रुकने वाला नहीं है? अभी ये और आगे बढ़ेगा तब तक जब तक कि अमेरिका झुक नहीं जाता है, और अमेरिका झुकेगा नहीं बल्कि इस युद्ध को और ज्यादा बढ़ाएगा। कल तक जो ऐसा लग रहा था कि शांति की तरफ सब चीजें चली जा रही हैं, अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये शांति पल भर की शांति थी, असल में सब कुछ फिर से तबाही के रास्ते पर ही चल रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये पुतिन के द्वारा सचमुच मास्टर स्ट्रोक है जो एक बार में ही सारे प्रतिबंधों को खत्म कर दिया, या फिर ये यूरोप की सबसे बड़ी बेवकूफी है कि यूरोप गैस के लिए इतना ज्यादा निर्भर हो गया रूस के ऊपर, जिसका फायदा रूस ने उठा लिया? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।